क्रिस्पी चिप्स पैकेट विद हवा। ढोलकपुर नाम के गांव में मुन्ना नाम का एक चोर रहता था। उसके चोरी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेकार था। दस चोरी करता तो कम से कम 9 घरों में पकड़ा जाता और खूब मार खाता था, फिर आखिर में जेल आ जाता था। वहां शिक्षा पूरी करके छूटने पर वापस चले जाता था। एक बार वो जेल से छूटकर बाहर आया, वहाँ मौजूद सेंट्री से, हेलो भाई, जाकर आता हूँ, जल्दी मिलेंगे, यूं कहा सेंट्री। छी, शर्म नहीं आती रे तुम्हें? कितनी बार ऐसे जेल में फंसोगे रे तुम? खाना खाते या गोबर? कमीने, तुम्हारे मुंह को चोरी तो नहीं जच रही है? मेरी बात मानो और धोखा करना शुरू कर दो, उसके लिए इतनी कोई बड़ी शिक्षा भी नहीं होती, यूं कहा मुन्ना। ये क्या भाई, इतना क्यों गुस्सा आया? लेकिन आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, चोरी बिना मार खाए नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यही करूँगा, चोरी छोड़कर धोखा दूंगा, अब फिर इस जन्म में मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कहकर चले गया। फिर वो एक ट्रेन में चढ़कर बैठ गया। ट्रेन निकलकर एक स्टेशन, समोसा ले लो भाई, समोसा, यूं कहा तो मुन्ना, बाबू एक समोसा और एक चिप्स पैकेट दो, यूं कहा। वो पैसे लेकर वो दिया, फिर वो समोसा को सूंघकर, क्या भाई ये क्या है, समोसा से बदबू आ रही है, थोड़ा फ्रेश बना सकते हो ना, मेरे पैसे मुझे दे दो, यूं कहा। तब वो, फ्रेश होने के लिए ये एक होटल है क्या? ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ फ्रेश रहने पर भी यहाँ फिर से कोई आकर नहीं खाता, नहीं होने पर भी नहीं खाओगे, एक बार तो लोगे उसके बाद तुम कौन मैं कौन, जाओ भाई, यूं कहा। तब ट्रेन शुरू हुई। मुन्ना गुस्से में समोसा फेंक कर चिप्स पैकेट खोला, वे भी बास मार रहे थे, वे भी फेंक कर, ये तो धोखा दे दिया कमीना कहीं का, लेकिन उसका ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, तो अब से मैं भी सिर्फ 2 चिप्स पैकेट में डालकर चिप्स पैकेट तैयार करके ट्रेन में बस के पास वगैरह बेचूंगा, यूं कहा। ऐसे बाजार जाकर वो कुछ चिप्स पैकेट्स खरीदा, एक साइकिल को मारने वाला पंप भी खरीद कर लाया, फिर चिप्स पैकेट को कैंची से कट करके उसमें से चिप्स निकाल कर एक प्लेट में डाला, फिर 2 ही चिप्स एक पैकेट में डालकर उस पर गम डालकर चिपका दिया, फिर हवा के पंप से हवा मारा, पैकेट फूल गया। ऐसे बहुत सारे चिप्स पैकेट तैयार किए। फिर वो रेलवे स्टेशन के पास आकर ट्रेन खिड़की के पास घूमते हुए, चिप्स भाई चिप्स ले लो भाई, चिप्स चिप्स हवा चिप्स, ताजा ताजा हवा चिप्स, यूं पुकार रहा था। तब एक आदमी पैसे देकर, हवा चिप्स बोल रहे हो, वो क्या है भाई, कोई नई कंपनी है क्या? मुन्ना, नहीं सर, हवा चिप्स यानी ये खरीदते ही पैकेट खोलकर नहीं खाना चाहिए, तब वो स्वादिष्ट नहीं होते, वही अगर ट्रेन चलते हुए खोले तो हवा आती है ना, तब उस हवा में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए हवा चिप्स कह रहा हूँ, यूं कहा। वो मान गया। वो सुनकर और कुछ लोग उससे चिप्स खरीद कर ट्रेन जाने के बाद सब लोग, अब हवा अच्छे से आ रही है, कहकर पैकेट्स ओपन किए, उसमें देखे कि सिर्फ रोज चिप्स पैकेट को हवा मारकर तैयार करता था। उन्हें लाकर रेलवे स्टेशन या बस आने वाली जगह पर बेचता था, लोग अच्छे से खरीद भी रहे थे। एक दिन 4 युवक उसके पास आए। एक, भाई हवा चिप्स तुम ही बेचते हो क्या? बड़े स्वादिष्ट है, यूं हमारे गांव में सुना है, दिखाओ हमें 4 पैकेट दो, यूं कहा। मुन्ना घबरा कर, ये ट्रेन में बस में जाने वाले लोगों को ही पसंद होती है जी, बाकी टाइम अच्छे नहीं होते, यूं कहा। तब वो, अच्छा होना नहीं अच्छा होने के लिए वो कोई ड्रेस थोड़ी है, दो दो, कहकर चारों 4 चिप्स पैकेट लेकर ओपन किए। अंदर काम करते रहते हो, चलो अब स्टेशन, यूं बोले। फिर उसे पुलिस वाले जेल में ले आए। वहाँ मौजूद सेंट्री को देखकर मुन्ना, देखा ना भाई, चोरी छोड़कर धोखा करने पर भी क्या होता है, फिर से पकड़ लिए, यूं कहा। तब सेंट्री, छी, तुम्हारी बेकार जिंदगी किसी काम की नहीं है, कहकर उसकी बेइज्जती किया।